हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त तान्या टूटी फूटी कहानियों से। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो थोड़ी स्वीट, मज़ेदार और फनी। और कहानी का नाम है बुढ़िया की सुई। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर आई और कुछ ढूंढने लग पड़ी। गाँव के एक आदमी की नज़र उस बुढ़िया पे पड़ी। अम्मा इतनी रात को रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? आदमी ने अम्मा से कहा। कुछ नहीं बेटा, मेरी सुई गुम हो गई है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ, अम्मा ने कहा। फिर क्या था, वो आदमी भी अम्मा की मदद करने के लिए रुक गया और उनके साथ सुई ढूंढने लग पड़ा। कुछ देर बाद देखते देखते कई और लोग इकट्ठा हो गए और वो भी सुई ढूंढने में लग पड़े। सभी बड़े ध्यान से सुई को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा ये तो बताओ सुई गिरी कहाँ थी? बेटा सुई तो घर के अंदर गिरी थी, बुढ़िया ने जवाब दिया। ये बात सुनते ही सभी बड़े हैरान हो गए। तभी किसी ने जोर से कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई घर के अंदर गिरी थी। तभी एक आदमी ने कहा, अम्मा आखिर सुई वहां ढूंढने की बजाय यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है इसलिए, बुढ़िया बोली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसी और कहानियाँ सुना सकें।